बाद पहली मरतबा उपराजधानी में शीत सत्र के आयोजन और सुरक्षा श्रेणी में सभी चौकन्ना हो गए हैं। आपको बता दें कि एक और जहां पुलिस बंदोबस्त में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी अपने कार्य को लेकर सतर्क हो गए हैं। 19 दिसंबर से शीत सत्र आरंभ होने जा रहा है। इसके बंदोबस्त को पुलिस अंतिम रूप देने में जुट गई है। पुलिस के अधिकारियों ने इस संबंध में उनके स्वास्थ्य से संबंधित पूरा नियोजन भी किया है। आपको बता दें कि इस बार विधान भवन में कुल 68 मोर्चे दस्तक देने वाले हैं। कर्मचाऱ्यांचे आरोग्याचे दृष्टिकोनातून आम्ही डॉक्टर्स चे वेगवेगळे टीम तयार केलेले आहे। ॲम्ब्युलन्स पण स्टँडबाय मध्ये ठेवण्यात आलेले आहे। जे लोक ड्युटीवर राहतील त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अडचण झाली तर इमिजिएटली मेडिकल असिस्टन्स त्यांना देता येईल। तसेच त्यांचे जिथे जिथे निवास व्यवस्था आहे तिथे पण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्नशील आहोत। नमस्कार। ऍक्च्युअली असेंबली के इस सत्र के अनुसार आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री अमितेश कुमार सर के नेतृत्व में हम लोगों ने जो बाहर से आने वाला हमारा स्टाफ है, अधिकारी और कर्मचारी है, उनके लिए तकरीबन हमने 12 ऐसे मोबाइल यूनिट तैयार किए हैं। वो 12 मोबाइल यूनिट में हर एक मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर, एक सिस्टर और एक फार्मासिस्ट रहेगा, जो कि इन लोगों का जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे हमने हर दिन सुबह और शाम को ऐसा 2 टाइम 3-3 घंटे के लिए इनकी मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की है। हमने इसको बेसिकली क्या किया है कि साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन में इसको डिवाइड किया है। हमारे साउथ रीजन में जो भी रहने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए 2 टीम अलग से मोबाइल यूनिट रहेंगे और नॉर्थ रीजन में 2 मोबाइल यूनिट अलग से रहेंगे। इसके बाद में हमने कंट्रोल रूम में भी एक 24/7 एक डॉक्टर की टीम रखी है, जो वहाँ पे आने वाले जो कंट्रोल रूम के जो कोई भी कर्मचारी है वहाँ पे, जो अलग से बाहर से आया वाला अतिरिक्त स्टाफ है, उसके लिए भी वहाँ पे वो सेवा देंगे। उसके बाद में 24/7 हमने पुलिस अस्पताल में भी यहाँ पे व्यवस्था की है और यहाँ पे भी 24/7 हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी है इनको अगर कोई मेडिकल हेल्प लग रही है तो 40 बेड का हॉस्पिटल जो अपना पुलिस रुग्णालय नागपुर शहर है उसमें व्यवस्था की है। इसमें हमने 20 बेड ICU के रखे हैं और 20 बेड जनरल रखे हैं। अब इसके साथ में भी एक पुलिस का उत्तरदायित्व बोल के आदरणीय कमिश्नर श्री अमितेश कुमार सर के आदेश पे मोर्चा पॉइंट पे पुलिस हॉस्पिटल की तरफ से हर एक पॉइंट पे एक एम्बुलेंस रहेगी, एक डॉक्टर रहेंगे, जहाँ की कोई भी मोर्चे में आने वाला एक ले पर्सन, महिला या पुरुष जिनको मेडिकल हेल्प लगती है उनके लिए हमने ये सुविधा रखी है। अब इसमें ये सब रहते समय भी हमने हमारे जो 32 पुलिस के लिए जो MPKY स्कीम है उसमें एक हॉस्पिटल है उनको भी हमने स्टैंड बाय मोड पे रखा है और उनको भी ये इन्फॉर्म किया है कि अगर कुछ इमरजेंसी लगती है तो हम तुरंत में हमारे पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट करें। एक्चुअली बहुत बड़ी पैमाने पे 7 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे हमारे लिए आ रहे हैं अधिवेशन के बंदोबस्त के लिए, तो इसके लिए हमने डिप्टी डायरेक्टर आरोग्य विभाग से भी 4 डॉक्टर हमको मिले हैं, उसमें के 2-3 डॉक्टर आके अभी ज्वाइन भी हो गए हैं। डॉक्टर के साथ में नर्सिंग स्टाफ की भी हमको कमी थी तो हमने उसके बारे में भी डिप्टी डायरेक्टर जी को हमने बताया था, तो मैडम ने हमको 3 स्टाफ दिए हैं, उसके साथ फार्मासिस्ट भी दिए हैं। इसके अलावा DG ऑफिस के हमारे जो पुलिस हॉस्पिटल्स है उनके तरफ से हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था भी की जा रही है। उसमें से कुछ ज्वाइन हुए हैं और कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, आज शाम तक ऑलमोस्ट सब आ जाएंगे। टोटल बाहर से आने वाले डॉक्टर की संख्या हमारे पास में 10 है, नर्सिंग स्टाफ 8 हमने मंगाए हैं और फार्मासिस्ट हमने 6 मंगाए हैं, जिसमें से 4 फार्मासिस्ट हमारे पास में आगे ज्वाइन होंगे। असेंबली को देखते हुए 12 मोबाइल यूनिट भी तैयार किए गए हैं। इसके रेसिडेंशियल एरिया में सुबह शाम की सुविधा रखी गई है। 24/7 मेडिकल हेल्प की सुविधा भी दी गई है। मोर्चा पॉइंट पर एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर, नर्स रखे गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त स्टाफ भी बाहर से बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।